नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। दक्षिण भारत में आएगी भयंकर तबाही, चारों ओर होगा प्रलय ही प्रलय। जी हाँ, दक्षिण भारत को लेकर जो भविष्यवाणी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अभी देखिए, पूरे उत्तर भारत में आप देखिए कि गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत के अंदर आप देखिए कि अभी अग्नि तांडव हो रहा है। चारों ओर आप देखिए कि तापमान कितना अधिक जा चुका है। राजस्थान की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, आप देखिए कि जो औसतन तापमान है वो कितना अधिक बढ़ गया है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में तो तापमान आप देखिए 47 डिग्री तक जा चुका है, और हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि आने वाले समय में तापमान 50 डिग्री तक जाएगा, परंतु कुछ लोगों को यह विश्वास नहीं हुआ था और कुछ लोग हमारे उस बात को उपहास के तौर पर ले रहे थे, हमसे प्रश्न कर रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिथ्या वाचन कर रहे हैं। परंतु आप देखिए कि अब उदाहरण आपके सामने आ चुका है, प्रकृति ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो भविष्यवाणी हमने की थी वो सत्य सिद्ध होने वाली है। क्योंकि ये भविष्यवाणी हम ऐसे ही नहीं करते, हम पूरे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से और पूरे भविष्य मालिका के माध्यम से अध्ययन करते हैं, उसका निचोड़ निकाला जाता है, उस पर पूरा शोध किया जाता है, तब आपको ये बातें बताई जाती हैं। ऐसे ही नहीं, हम आपको ये सभी बातें बताते हैं। आपको लगता होगा कि हम ऐसी ही कहानियां बना रहे हैं, परंतु इसके पीछे कितना अधिक शोध होता है आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से लगातार उत्तर भारत में तापमान बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि लगातार वहाँ पर बरसात हो रही है, यानी कि वहाँ पर लगातार जल प्रलय आ रहा है, जिसके कारण आप देखिए कि वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर चारों ओर जल ही जल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारत का जो मौसम विभाग है उसने भी चेतावनी दी है कि आने वाले समय में, यानी कि आने वाले एक महीने में जो है, आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में एक भयंकर तूफान आने को है। आप देखिए पिछले कई वर्षों में लगातार दक्षिण भारत में कोई ना कोई तूफान आ रहा है, कोई ना कोई चक्रवात आ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एक ऐसा चक्रवात वहाँ पर आया था जिसके कारण चेन्नई नामक जो महानगर था वह पूरा पानी में डूब गया था। तो आप देखिए लगातार जो तटीय क्षेत्र हैं, यानी कि समुद्र के किनारे जो क्षेत्र हैं भारत में, वो लगातार उन पर आप कह सकते हैं खतरा बना हुआ है, और वहाँ पर कब जल प्रलय आ जाए, कब वहाँ पर सुनामी आ जाए, कोई भी नहीं जानता है। वहीं यदि हम बात करें उत्तर भारत की, तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तराखंड है, देहरादून है और भी जितने उत्तर भारत में शहर हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भयंकर रूप से जल प्रलय आने वाला है। अभी तो यहाँ, जैसा कि अभी प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि अग्नि तांडव हो रहा है, परंतु जैसे ही अग्नि तांडव का दौर समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि जल प्रलय प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर इतना अधिक बरसात होगा कि पिछले कई वर्षों का जो रिकॉर्ड है वह टूटने वाला है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से लगातार जो प्रकृति में परिवर्तन है वह देखने को मिल रहा है। यानी कि एक ओर तो लगातार जल तांडव देखने को मिल रहा है और दूसरी ओर आप देखिए कि अग्नि तांडव देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन तो मुझे लगता है अब तक के इतिहास में हमने नहीं देखा था। सदियों से ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिले प्रकृति में, विशेष तौर पर मौसम के स्तर पर। आप देखिए कि इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ती थी, इतनी बरसात कभी भी नहीं होती थी, और वायु की गति आप देखिए कि कितनी अधिक तीव्र रह रही है। तो इन सभी चीज़ों से यही सिद्ध होता है कि प्रकृति जो है एक रौद्र रूप ले चुकी है, और जो भविष्य मालिका में कहा गया है कि अब कलयुग जो है वह समाप्त होने वाला है, सतयुग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन है वो प्रकृति के स्तर पर होगा और प्राकृतिक जो कलयुग है वो समाप्त होने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये सच है कि कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन तो पृथ्वी पर हो ही रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 5 वर्ष में जिस प्रकार से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, मुझे लगता है कि अब तक वैसा कभी भी नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को लेकर भी भविष्यवाणी की गई है कि उत्तराखंड में भी भयंकर खंड प्रलय आने वाला है। खंड प्रलय का सीधा सीधा तात्पर्य है कि वहाँ पर बड़े बड़े भूस्खलन होंगे, वहाँ पर नदियों में जल स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण उत्तराखंड की स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है। ये सभी भविष्यवाणी जो है आने वाले समय में आप देखेंगे सच होने जा रही है, क्योंकि अभी देखिए हाल ही में उत्तराखंड में कितने लोग पहुंच गए थे, जिसके कारण जो केदारनाथ के दर्शन है वो भी बाधित हुए, जो बद्रीनाथ के दर्शन है वो भी बाधित हुए थे। तो आप देखिए कि ये जो भविष्यवाणियां की गई है वो कहीं ना कहीं अब सीधे सीधे सत सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार उत्तराखंड पर खतरा बना हुआ है। इस भविष्यवाणी में ये भी बताया गया है कि समुद्रीय तट पर भयंकर चक्रवात आएंगे, यानी कि समुद्र तट पर जितने भी राज्य हैं उन पर भयंकर आप देखेंगे कि चक्रवात आने को है। अभी देखिए बंगाल में भी भयंकर एक चक्रवात आया है जिसमें बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं, और आप देखिए कलकत्ता नामक जो महानगर है वह पूर्णतया डूब गया है। तो आप देखिए किस प्रकार से ये भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो रही हैं। एक वीडियो में हमने भी आपको कलकत्ता के विषय में बताया था, बंगाल के विषय में बताया था कि किस प्रकार से वहाँ पर आने वाले समय में चक्रवात आएंगे।
तो अब ये जाकर भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो चुके हैं और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाला जो समय है वो कलकत्ता के लिए और विशेषकर बंगाल के लिए बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि तटीय जितने भी क्षेत्र हैं, मुंबई को लेकर भी हमने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से वहाँ पर भी चक्रवात आएगा, सुनामी आएगा, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं आप कह सकते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं भयानक जो है चक्रवात आने को है, जल प्रलय आने को है। वहीं भारत के कई राज्यों में आप देखेंगे कि अब छोटे छोटे भूकंप आने प्रारंभ होंगे। देखिए अब तक दिल्ली नामक महानगर में बहुत सारे भूकंप आए थे और विश्व में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर भयंकर भूकंप आए थे, जैसे ताइवान की यदि बात करें, रूस की बात करें, जापान की बात करें, तो इन सभी राष्ट्रों में भयंकर भूकंप आए थे। परंतु अब आप देखेंगे भारत के जितने भी महानगर हैं या छोटे छोटे जो शहर हैं वहां पर भी आप देखेंगे कि लगातार छोटे छोटे भूकंप आपको देखने को मिलेंगे और ये भूकंप धीरे धीरे आप देखेंगे समय के साथ खतरनाक रूप लेते जाएंगे, बहुत ही भयानक होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ही डरावना है कि किस प्रकार से ये भूकंप आएंगे और कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। सच कहूँ तो मैं इसको लेकर के बहुत ही चिंतित हूँ कि किस प्रकार से आने वाले समय में प्रकृति अपना रूप दिखाने वाली है। कहीं ना कहीं मनुष्यता के लिए यह बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रहा है और आप देखिए लगातार प्रकृति जिस प्रकार से परिवर्तन कर रही है, अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आप देखिए कि भयंकर गर्मी वहाँ पर पड़ने वाली है। देखिए राजस्थान को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है उसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर आने वाले समय में तापमान बढ़कर के 60 डिग्री सेल्सियस हो जाने वाला है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि 60 डिग्री तापमान कितना अधिक होता है, परंतु ये सत्य है कि आप देखिए कि आने वाले समय में राजस्थान में इतनी गर्मी होने वाली है, इतना तापमान अधिक हो जाएगा कि वहाँ पर वह तापमान चढ़ करके 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अभी देखिए कि भारत के कई राज्यों में 50 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ चुका है, तो आप इसी से सोच सकते हैं कि राजस्थान को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वो सत्य सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई सारे शहर हैं जहां पर लगातार 40 डिग्री से अधिक तापमान जा रहा है, जो कि असहनीय है। यदि आप दिन में घर से बाहर निकल जाएं तो आप जल करके भस्म हो सकते हैं, इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है। सच कहें तो हमने अपने अनुभव में अब तक नहीं देखा था कि कभी इतनी अधिक गर्मी पड़ी हो। आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तापमान 40 डिग्री से अधिक जा रहा है और उन क्षेत्रों में किसी प्रकार का बरसात नहीं हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत इससे छुटकारा मिल सके। जबकि आप देखेंगे तो और अधिक तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रकृति में इतना बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में इतना बड़ा जो उतार चढ़ाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही हैरान कर देने वाला है। और दक्षिण भारत को लेकर हमने आपको बताया है कि दक्षिण भारत में आने वाले समय में भयंकर बरसात होगा, इतना अधिक बारिश होगा कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। पूरा दक्षिण भारत आप देखेंगे कि डूब जाने वाला है। और इसमें हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है कि पानी के अंदर भी भूकंप आएंगे। और ऐसा होता भी है कि कई बार समुद्र के भीतर भूकंप आता है। जब समुद्र के भीतर भूकंप आता है तो वो एक चक्रवात का रूप लेता है और ये चक्रवात तटीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसमें होता ये है कि जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनमें लगातार जल भरता चला जाता है, यानी कि जल प्रलय आता है और चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और वहाँ पर जो मनुष्य रह रहे हैं उनका जीना कठिन हो जाता है, उनका जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, उन्हें भोजन की समस्या होने लगती है, जल की समस्या होने लगती है और इसी कारण से बहुत से लोग इसमें अपने प्राणों को गंवा देते हैं, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप देखिए कि ये भी आने वाले समय में होने वाला है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, परंतु आने वाले भविष्यवाणियों से यही पता चलता है कि समुद्र के भीतर भी अब लगातार भूकंप की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब इस भूकंप के कारण आप देखेंगे कि भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, कलकत्ता की बात करें, कर्नाटक की बात करें, यानी कि जितने भी क्षेत्र समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी सुनामियाँ अब आने वाले समय में आने वाली हैं। आप देखेंगे कि सारे क्षेत्र आपको जलमग्न होते हुए दिखाई देंगे और ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये सत्य होने वाला है। आप देखिएगा कि आने वाले 6 महीनों में ये घटनाएं घटेंगी और स्थिति सच में बहुत ही खतरनाक रहने वाली है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी जागरूक हो जाए, समय रहते इन सभी बातों को समझ जाए ताकि वो अपना बचाव कर सके। कहीं ना कहीं यह राष्ट्रहित के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही तो सेवा है कि हम अपनी जानकारियों के माध्यम से किसी के जीवन की रक्षा कर पाएं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई हैरान कर देने वाली कथा के साथ। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं जिससे आपके जीवन की रक्षा हो सके, जिससे आपका जीवन सुगमता से चल सके। हम जुड़ते हैं, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।